इस क्वेश्चन को देखते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से कैसे हम लोग डील करते हैं। तो जब भी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो या मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन होता है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि फंक्शन कौन है, किसको ले और डेरिवेटिव उसका कौन है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए साफ साफ हमने थोड़ा क्लियर लिख दिया, ये एफ एक्स है तो ये आपका क्या है एफ डैश एक्स है। तो मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि किसको हम लोग टी पुट करें, जो फंक्शन एफ एक्स होता है उसे हम टी पुट करते हैं। तो लेट कर लेंगे यहाँ पे लॉग ऑफ एक्स को टी, तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है वन बाई एक्स डी एक्स इक्वल्स टू टी का डेरिवेटिव वन डी टी हो जाएगा। इसका मतलब जो वन बाई एक्स डी एक्स लिखा हुआ है ये, इसे हम क्या लिख देंगे डी टी लिख देंगे, है ना, वन का कोई मतलब तो है नहीं। और लॉग एक्स को क्या लिख दोगे यहाँ से टी लिख दोगे, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर डी टी। अब ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो गया, एक्स की पावर एन वाले फॉर्मूले से हम लोग लगा देंगे क्या हो जाएगा टी की पावर क्या हो जाएगा टू प्लस वन थ्री अपॉन थ्री प्लस सी हो गया। अब टी तो आपका डमी वेरिएबल है, कभी भी डमी वेरिएबल के टर्म में हम आंसर नहीं लीव करेंगे। क्या हो जाएगा टी को आप क्या प्लेस किए थे लॉग एक्स, तो वहाँ रख दें हम लोग लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब अपॉन थ्री या वन बाई थ्री टाइम्स, जो भी आपके पास आंसर अवेलेबल हो दैट इज़ योर फाइनल आंसर।